यदि आप किसी आंग्ल भाषी से पूछे ट्री को ट्री क्यों कहते हैं, तो वो निरुत्तर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं क्यों कहते हैं। लेकिन आप एक संस्कृत भाषी से पूछे कि पेड़ को पादपः क्यों कहते हैं, तो गर्वोक्त भाव से कहेगा कि पेड़ को पादपः इसीलिए कहते हैं क्योंकि पादौ पिबति इति पादपः, जो अपने पांवों से अर्थात जड़ से पीता है वो वृक्ष है, वो पेड़ है। संस्कृत भाषा के जो निहित अर्थ हैं वो बहुत विशाल हैं, अर्थों से ओतप्रोत है। लेकिन विडंबना है, ऋषियों ने हमारे पास हमारे सामने एक अमूल्य धरोहर रख दी। हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, हमारे पास इतनी अमूल्य निधि है लेकिन उस निधि का प्रयोग करना नहीं आता हमें। उस निधि का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, हमें नहीं आता। यही कारण है कि जीवन जीने की कला अभी तक आई नहीं है। यही कारण है जीवन को दिशा नहीं मिल रही। कभी किसी का मुंह ताकते हैं, कभी किसी का मुंह ताकते हैं, कारण क्या है? आप सोच रहे होंगे दिशा का संस्कृत भाषा से क्या लेन देन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी जानकारी के लिए कि हमारे धार्मिक शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं ऋषियों के द्वारा, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और उन ग्रंथों में क्या है, मात्र श्लोक नहीं है, उन ग्रंथों में जीवन जीने की कला छिपी हुई है। चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो विज्ञान है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में निहित है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, हमें अपने ही शास्त्र पढ़ने नहीं आते। क्यों नहीं पढ़ने आते? क्योंकि हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। हम संस्कृत भाषा से कोसों दूर हैं। संस्कृत क्या है, भाषा क्या है, संवाद क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, हमें पता नहीं चलता। और हम कहते हैं हमारे तो जीवन की समस्याएं सुलझती नहीं, समस्याओं का समाधान तो शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अबोध है, अज्ञानी है, अज्ञानता है भाषा के प्रति। यही कारण है वो शास्त्र मात्र पूजते हैं और वापस घर आ जाते हैं। अरे निधि को अपने घर लेकर आइए, उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद जीवन में चरितार्थ करें। संतों ने, भक्तों ने ऐसे इस जननी को प्रणाम नहीं किया, इस मातृभाषा को, क्योंकि एक समय ऐसे था जब इस भाषा का प्रयोग सर्वत्र हुआ करता था। ये आर्यवर्त की जो भूमि थी, से संस्कृत भाषा के संस्कारों से परिपोषित थी। साधारण सी पनिहारिणी हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति, संस्कृत भाषा को जानता था और शास्त्रों को पढ़कर उसमें निहित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ करता था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन की एक घटना आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार वो हाथ में कमंडल और बैरागल लेकर मंडन मिश्र के निवास स्थान की ओर बढ़ चले। उनका लक्ष्य था उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करना। और जिस समय वो मंडन मिश्र के निवास स्थान की ओर जा रहे थे, तो उनको उनका घर नहीं पता था, निवास स्थान नहीं पता था। वो उस नगर में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां गगरिया भर रही थी। उन गगरिया भरने वाली स्त्रियों से उन्होंने प्रश्न किया, को मंडन मिश्र धाम, मंडन मिश्र का निवास स्थान कहाँ है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस समय ऐसा प्रश्न किया, उस समय उन गांवों की गगरिया भरने वाली स्त्रियों ने अपने गांवों के विद्वान का परिचय बड़ी ही मार्मिक और दर्शन युक्त शैली में दिया। उन्होंने कहा, स्वांतः सुखाय, जो वो विद्वान जिसके घर के तोते तक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं, संस्कृत भाषा में उसका उच्चारण करते हैं, जब आप उसके घर के समीप पहुंच जाएंगे तो आपको वो तोते ही बता देंगे कि आप किस स्थान पर पहुंचे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़ी तेज गति से जाने की जिज्ञासा थी, क्या ये सत्य है? तो जिस समय उस द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो तोते थे पिंजरे से चोंच निकालकर चहक रहे थे, जगत ध्रुवं स्याद, जगत ध्रुवं स्याद। तो हमारे संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर हमारी देव भाषा को बोला जाता था।
महाभारत काल तक भी संस्कृत भाषा का उच्चारण होता था, उसके बाद भी यास पाणिनि जैसे ऋषियों ने इस भाषा को आम बोलचाल की भाषा बनाए रखा। लेकिन जिस समय विदेशी आक्रमणकारी ऐसी काली घटाओं की तरह घिरकर हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए, हमारी आर्यावर्त भूमि पर आए, संस्कृत का युग धीरे धीरे ढलने लगा। उन्होंने हमारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारी इस देवभाषा, इस मातृभाषा को नष्ट करने के लिए ना जाने कितने कुचक्र चलाए, कितने षड्यंत्र रचे। क्योंकि मैकाले भाप गया था, उसने अध्ययन किया, सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, उसने सोचा, मंथन करने के पश्चात उसने पाया, यदि भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ें मजबूत रहेंगी तो भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, भारत को परास्त नहीं किया जा सकता। उसने सर्च की, आखिर भारतीय संस्कृति की मूल्यों की जो जड़ें हैं वो मजबूत क्यों हैं, भारत इतना सशक्त क्यों है, भारत इतना मजबूत क्यों है, इतना संस्कारवान क्यों है। तो उसने पाया कि भारतीय लोगों का संस्कारवान होने के पीछे उनका संस्कृत साहित्य है, उनके शास्त्र हैं। तो उसने क्या किया, हम सभी जानते हैं कि पाश्चात्य में उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जो अंग्रेज हमारे भारत देश को लूटने के लिए आए थे, उन्होंने मैकाले को शिक्षा की व्यवस्था संभाली थी, शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की थी, और उसी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर मैकाले ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली का गठन किया। क्योंकि वो जानता था शिक्षा ही संस्कारों को पोषित करती है, एक छोटे से बालक के जीव के हृदय के धरातल पर शिक्षा ही उसे संस्कारवान बनाती है। तो क्या किया, उसका सबसे पहला कुठाराघात हमारी शिक्षा प्रणाली पर हो गया। एक समय था हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को महर्षि वाल्मीकि जी का काव्य, वेदव्यास जी का काव्य, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ाया जाता था। लेकिन मैकाले ने ऐसी शिक्षा प्रणाली का गठन किया कि उस काव्य के स्थान पर, उस दर्शन के स्थान पर शेक्सपियर और मिल्टन के काव्य पढ़ाए जाने लगे। एक समय था हमारे आर्य कुमारों को भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय प्रेम लीलाओं का सार समझाया जाता था। लेकिन ऐसी प्रणाली का गठन हुआ कि आज आर्य की संतानों को रोमियो और जूलियट के प्रेम किस्से पढ़ाए जाते हैं। क्या दिशा मिलेगी, और दिशा नहीं मिलेगी तो क्या दशा सुधरेगी। इतना प्रयास किया, यहां तक कि उसने हमारे वेदों को अपभ्रष्ट करने का प्रयास किया। क्योंकि वो जानते थे हमारे भारतीय लोगों की आस्था, विश्वास, वो इन शास्त्रों से मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने कहा संस्कृत जो भाषा है वो बहुत कठिन भाषा है, पंडितों की भाषा है, दुर्लभ भाषा है, इसका प्रयोग मत करो। आंग्ल भाषा को ले आए, अंग्रेजी भाषा को भारतीयों के नस नस में उसका संचार कर दिया। दुख होता है, हम ये नहीं कहते आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आंग्ल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, भारत की संतानें हैं, आर्य भूमि की संतानें हैं, आंग्ल भाषा का प्रयोग करें, कम से कम अपनी देवभाषा संस्कृत का तो प्रयोग करें। हम संस्कृत से तो कोसों दूर हैं, हम तो हिंदी का प्रयोग करना भी हमें शर्म आती है। आज इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आपको पता नहीं इन विदेशी आक्रमणकारियों ने कितना प्रयास किया, कितना प्रयत्न किया, उन्होंने इस देव भाषा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, और हमने सबने संस्कृत भाषा को दोषी मान लिया, और हम इससे पीछे हटते गए, पीछे हटते गए। हम संस्कृत भाषा से पीछे नहीं हटे, अपने भाग्य से पीछे हट गए, अपनी उन्नति से पीछे हट गए। क्या आपको पता है जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तो पाश्चात्य संस्कृति साइकिल पर सवार हो गई थी। हमने उनको देखा, अच्छा साइकिल, हम साइकिल पर चले गए, वो बैलगाड़ी पर चली गई। हम बैलगाड़ी पर आए और वो यानों पर पहुंच गई, हम यानों पर आए, विमानों पर पहुंच गई। अक्सर हम हमेशा एक कदम पीछे रहे, क्यों, जबकि हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे यानों का निर्माण किया है, हमारे शास्त्रों में उसका विवरण आता है। कैसे किया, क्योंकि ग्रंथों में मात्र अध्यात्म नहीं, विज्ञान का गहरा समन्वय है, छिपा हुआ है। लेकिन भाषा का ज्ञान न होने के कारण हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। इसीलिए संतों ने, भक्तों ने कहा, यदि हमें पुनः जगत गुरु बनाना है, भारत को विश्व को श्रेष्ठ स्तर पर लेकर जाना है, भारत को पुनः आर्यावर्त बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें इस देव भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं, विश्व भाषा बनाना होगा।
विश्व भाषा बनाना होगा। और जगत गुरु बनाने के लिए, विश्व को जगत गुरु बनाने के लिए और पुनः इस संस्कृति को, संस्कारों का संगठन करने के लिए परम सदस्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हस्त तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से वेद मंदिर का निर्माण किया गया है। ऐसे वेद मंदिर का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षार्थियों को संस्कृत भाषा के महत्व से अवगत करवाया जाता है, उनको उच्चारण करना सिखाया जाता है, और मात्र उच्चारण करना ही नहीं, उनमें निहित आध्यात्मिक रहस्यों को, वैज्ञानिक रहस्यों को बताया जाता है। क्योंकि हमारे कर्णधार, हमारे बच्चे जो शिक्षा अर्जित करते हैं, वो उन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को पढ़कर अपने जीवन में धारण करें, अपने आप को उत्कृष्ट करें। क्योंकि एक इंसान उत्कृष्ट होगा तो समाज अपने आप ही उत्कृष्ट हो जाएगा। क्योंकि सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृति की प्राण है, प्राण। यही कारण है इस प्राण को ऊर्जस्वी बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए सर श्री आशुतोष महाराज जी ने वेद मंदिर, दिव्य ज्योति वेद मंदिर का निर्माण किया है, ताकि पुनः आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे, आज का व्यक्ति संस्कारवान बन पाए और अपने शास्त्रों से जुड़ पाए, अपने शास्त्रों से प्रेम और उनका सम्मान कर पाए। चलिए अब कथा की ओर प्रयाण करते हैं, क्योंकि जो भी है कथा में बहुत रहस्य है, बहुत बातें हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति के प्रति है, हमारे संस्कारों के प्रति है, अध्यात्म के प्रति है, जीवन के प्रश्नों के प्रति है। इन सबको लेकर चलेंगे तो जीवन बदलेगा। यही कारण है कि कुछ कुछ पल के बाद कभी हम अपनी भूमि की यात्रा करते हैं, कभी संस्कारों की यात्रा करते हैं, कभी गुरु के ज्ञान की यात्रा करते हैं, कभी जीवन के लक्ष्य की यात्रा करते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज उसी देव मातृभाषा का उच्चारण हनुमान जी कर रहे हैं और प्रभु श्री राम प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी कहने लगे, आप हमें मार्ग बताएं, हम सुग्रीव जी के पास जाना चाहते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, आप पहले अपना वास्तविक परिचय दीजिए, उसके पश्चात ही हम आपको महाराज सुग्रीव का दर्शन कराएंगे, उनसे मिलाएंगे। और उसी समय प्रभु श्री राम अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं, अहम दाशरथी राम, मैं दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे हनुमान जी ने सुना, राम, अरे ये तो कोई और नहीं, ये मेरे प्रभु हैं। और जैसे ही प्रभु का नाम सुना, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, हाथ जुड़ गए, नमन करने लगा, बारंबार प्रणाम करने लगे हनुमान जी। और उसी समय अपने वास्तविक रूप में आ गए, प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ लिया, प्रभु को प्रणाम किया, कहने लगे, प्रभु एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसार्यो दीन बंधु भगवान। कहने लगे, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मंदमति हूँ, कुटिल हूँ, नीच हूँ, मेरे पास विवेक नहीं है, यही कारण है मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैं बार बार आपसे पूछ रहा था, आप कौन है, आप अपना परिचय दें, आप बताएं आप कौन हैं। लेकिन प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, और आप भी पूछ रहे हैं कि आप अपने भक्त को पहचान नहीं पाए। और आज हनुमान जी प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ लेते हैं और बारंबार प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं, बारंबार प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, और नमन करते हुए क्या कहते हैं, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। देता सहारा उसे जो ले तेरा नाम,
क्या सहारा उसे जो ले तेरा नाम। हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। जितना बल बुद्धि है मुझ में है तेरा ही दान, अपना के तुमने मुझको दिया है ये मान। जितना बल बुद्धि है मुझ में है तेरा ही दान, अपना के तुमने मुझको दिया है ये मान। हे रघुवर सदा मुझ पर रखना नजर जपूं तेरा नाम। हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। पनिसा निसा रे म प म प रे म प, पनिसा निसा म पनि परि रे म प म प सरे सरे निसा स पनि नि म प परे म म अंजनी सुत हनुमंता प्रभुवर है तेरा ही दास, मन मंदिर में रहना जब तक है साथ। अंजनी सुत हनुमंता प्रभुवर है तेरा ही दास, मन मंदिर में रहना जब तक है सांस। मेरा तन मन होके मगन गाए हरदम जय जय सीताराम। हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। देता सहारा उसे जो ले तेरा नाम, देता सहारा उसे जो ले तेरा नाम। हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। हे रघुनंदन कोटि प्रणाम, हे रघुनंदन कोटि प्रणाम। हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु को यह कहते हुए सुना कि मेरा नाम राम है, मैं दशरथ पुत्र हूं, तो प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं, बारंबार नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, कहने लगे प्रभु मैं आपसे आपका परिचय पूछूं तो जचता है, पर आप मुझसे मेरा परिचय पूछे ये बात मुझे उचित प्रतीत नहीं होती। बालक भले ही अपने पिता को भूल जाए, लेकिन पिता अपने बालक को कभी भूलता नहीं है। प्रभु आप मुझे कैसे भूल गए, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान हूं, आप कैसे भूल सकते हैं। प्रभु श्री राम कहने लगे हमने तो आपसे आपकी कथा पूछी थी, आपका परिचय पूछा था, आप भी कौन हैं, लेकिन आप तो अपनी व्यथा सुनाने लग गए। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु ये जीव का सौभाग्य हो, ये जीव का सौभाग्य ही होता है कि वो अपनी व्यथा को ईश्वर के चरणों में रखता है और ईश्वर की कथा को अपने हृदय में रखता है। क्योंकि यदि जीव अपनी व्यथा को ईश्वर के चरणों में नहीं रखेगा, किसी इंसान को अपनी व्यथा सुनाएगा, तो इंसान तो उसकी व्यथा का हरण नहीं कर सकता, इंसान तो उसकी व्यथा को और बढ़ाएगा, कम नहीं कर सकता, इंसान में इतनी शक्ति नहीं है।
तो इसीलिए प्रभु मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना दर्द प्रभु के चरणों में रख दो, क्योंकि यही वो चरण हैं जो उस व्यथा को कथा में बदल सकते हैं, जो जीवन को बदल देते हैं, रास्ता दे देते हैं, यही वो चरण है। इसीलिए मैं अपनी व्यथा को आपके चरणों में रखता हूँ और आपकी कथा सुनता हूँ, आपकी कथा को जानता हूँ। प्रभु देख रहे हैं अपने भक्त को, हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे भूल गए, इस बात का मुझे खेद है। प्रभु कहने लगे, हनुमान मुझे यह बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पीड़ा किस बात से है। तो उन्होंने कहा, इसी बात से है कि आपने मुझे भुला दिया। प्रभु मानो कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर कभी जीव को भुलाता नहीं है, जीव जैसे अभिनय करता है ईश्वर भी वैसा अभिनय करता है, लेकिन भक्त उसे जान लेता है, तत्व से समझ लेता है। और हनुमान जी वंदना करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा की कहने लगे, हे प्रभु जग कारण तारण भव भरनी भार। हे प्रभु आप जग को तारने वाले हो, धरती का भार हरण करने वाले हो, आप दिनों पर दया करने वाले हो, आप भुवनपति हो, आप सर्वज्ञ हो, आप अंतर्यामी हो, भांति भांति की स्तुतियां कर रहे हैं, भांति भांति की। क्या आप जानते हैं, इधर हनुमान जी प्रभु को कह रहे हैं, आप भुवनपति हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जग कारण हैं, आप जग का उद्धार करने आए हैं, आप ईश्वर हैं, और भगवान श्री राम एक एक कर अपने लक्षणों को काटते जा रहे हैं। हनुमान जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, प्रभु आप भुवनपति हैं। तो प्रभु कहने लगे, मैं भुवनपति कैसे हो सकता हूं, मैं तो अयोध्या का पति नहीं बन पाया, तो मैं भुवनपति कैसे हो सकता हूं, मुझे तो वरदान देकर निष्कासित कर दिया गया है, मुझे तो वन में भेज दिया गया है। हनुमान मैं कोई भुवनपति नहीं हूं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। प्रभु कहने लगे, मैं काहे का अंतर्यामी, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, अगर मैं अंतर्यामी होता तो मैं अपनी पत्नी की ऐसे तलाश नहीं करता, खोज नहीं करता, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी पत्नी कहाँ है। इस सिद्धांत को भी काट दिया। हनुमान कहने लगे, प्रभु आप जग कारण हो, सारा समस्त आपके कारण है। प्रभु कहने लगे, मैं जग कारण नहीं हूँ, मैं तो दशरथ जी के कारण हूँ, मैं तो उनके माध्यम से संसार में आया हूं। वो कहने लगे, प्रभु आप तो भार हरने आए हो पृथ्वी का। तो प्रभु कहने लगे, मैं तो अपना भार किसी को देना चाहता हूं, मैं संसार का भार हरण कैसे कर सकता हूं। आज प्रभु श्री राम हनुमान जी की स्तुति का एक एक पक्ष काट रहे हैं, मानो हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं और कह रहे, मैं तो साधारण मानव हूँ, मैं तो साधारण इंसान हूँ। हनुमान जी ने पहले तो हाथ जोड़कर खड़े थे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने एक एक लक्षण काट दिया तो हनुमान जी क्या हुए, चले गए, नहीं दंडवत लेट गए, कस के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु श्री राम कहने लगे, हनुमान अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया मैं ईश्वर नहीं, मैं तो इंसान हूं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अपनी बुद्धि से आपको लक्षणों से युक्त कर रहा था, लेकिन आपने ये सारे लक्षण काट के मुझे बता दिया कि हनुमान मैं तो लक्षणों से परे हूं, मैं मन से परे हूं, मैं बुद्धि से परे हूं, मैं वाणी से परे हूं। प्रभु आपने मुझे बता दिया आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप लक्षणों में बंधे हुए नहीं हैं, आपने मुझे अपना दर्शन करा दिया, चरणों को कसकर पकड़ लिया भक्त ने। भक्त कभी भ्रमित नहीं होता है, सच में ईश्वर तो बुद्धि का विषय ही नहीं है, ईश्वर तर्क का विषय ही नहीं है, ईश्वर बातों का विषय नहीं है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। प्रभु श्री राम जी तर्क से, बुद्धि से, मन से, वाणी से वश में नहीं आते हैं, उन्हें कोई तर्क बुद्धि से जा नहीं सकता है। हम देखें, रावण ने कल्पना की थी, रावण ने धारणा बना ली थी, यदि इंसान हुआ तो ये भागेगा स्वर्ण मृग के पीछे, तो भगवान भागे क्या, वो भगवान नहीं थे। बुद्धि से, बुद्धि के मापदंड से ईश्वर की लीला को तोड़ने का प्रयास किया तो धोखा खा गए, नेत्रों से जानने का प्रयास किया भ्रमित हो गए,
लेकिन हनुमान जी जानते हैं ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, ईश्वर तो परे का विषय है। इसलिए कहने लगे, प्रभु मैं जान गया हूँ आपको तो तत्व से अनुभव किया जाता है, बुद्धि से तर्क से आपकी महिमा का गान नहीं किया जाता। और उसी समय हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास लेकर जाऊंगा। प्रभु कहने लगे, अच्छा हनुमान अभी तो तुम कह रहे थे मैं परब्रह्म हूँ, मैं भुवनपति हूँ, मैं सर्वअंतर्यामी हूँ, तो तुम भगवान को सुग्रीव के पास लेकर जा रहे हो? जाओ सुग्रीव से कहो राम आए हैं, उनसे भेंट कर लो। अब हनुमान जी ने सुना, बड़े चतुर भक्त हैं, हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आज तक सुना है कि ईश्वर को पाने के लिए ऊपर उठते हैं, संतों के मुख से सुना ईश्वर को पाना है तो संसार से ऊपर उठ जाओ, विचारों से ऊपर उठ जाओ, विकारों से ऊपर उठ जाओ। अब मैं जाकर सुग्रीव से ये कहूं कि यदि तुमने राम का दर्शन करना है तो ऊपर से नीचे आ जा? प्रभु ऐसे नहीं हो सकता, आपको ही ऊपर चलना होगा। प्रभु का चतुर भक्त है, प्रभु कहने लगे मुझे ऊपर जाने की क्या आवश्यकता है? तो कहने लगे, प्रभु देखिए आपको तो ऊपर जाना होगा क्योंकि जीव नीचे नहीं आ सकता, जीव का स्तर नीचे नहीं हो सकता, आपको जीव से मिलना होगा। तो प्रभु कहने लगे, ऐसा करते हैं चलो हम पैदल यात्रा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु आपको पैदल नहीं जाने दूंगा, आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं, आप मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं आपको कंधों पर लेकर जाऊंगा। तो प्रभु ने प्रश्न किया, हनुमान कंधों पर ही क्यों, पैदल भी तो जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, न प्रभु न, शास्त्र कहते हैं, अवतारवाद का सिद्धांत कहता है कि जो ईश्वर है वो ऊपर से नीचे आता है। अवतरति इति अवतारः, अवतारी पुरुष क्या करते हैं, वो ऊपर से नीचे आते हैं। प्रभु मैं उस सिद्धांत का खंडन कैसे कर दूं? अब मैं ऊपर से आपको नीचे कैसे ले जाऊं? आप मेरे कंधों पर विद्यमान हो जाएं, और जिस समय आप मेरे कंधों पर विराजमान होंगे और उस समय जब आप नीचे उतरेंगे मेरे कंधों से, तो आपके अवतारवाद का सिद्धांत पूर्ण हो जाएगा। प्रभु इसलिए मेरे कंधों पर विराजमान हो जाए। अब जैसे ही प्रभु को प्रस्ताव दिया कंधे पर बैठने का, प्रभु श्री राम कहने लगे, हनुमान अभी तो तुम मुझे ईश्वर रूप मान रहे थे, ईश्वर जानकर स्तुति कर रहे थे, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम ईश्वर को अपने कंधों पर बिठा लो? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु नहीं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको अपने कंधे पर बिठा कर ले जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, आपने अपना परिचय ही कुछ ऐसे दिया। जब मैंने आपसे पूछा आप कौन है, तो आपने कहा अहम दशरथी राम, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। तभी मैंने सोच लिया कि अच्छा आप दशरथ के पुत्र हैं, और यदि आप दशरथ के पुत्र हैं तो आप महाराज दशरथ की गोदी में भी जरूर बैठे होंगे, और अगर दशरथ की गोद में बैठ सकते तो मेरे कंधों पर क्यों नहीं बैठ सकते? आ जाइए प्रभु आप मेरे कंधे पर। भक्त बहुत चतुर होता है, बड़ा चतुर, विशाल आकार बनाया, प्रभु को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब प्रभु कहने लगे, हनुमान मुझे अपने कंधे पर बिठा तो लिया है, मुझे कसकर पकड़ लो कहीं मैं गिर ना जाऊं। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ऐसी दृष्टता मैं कर ही नहीं सकता, मैं आपको पकड़ू, मैं आपको नहीं पकड़ सकता, और मैं आपको पकड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु एक जीव की वृत्ति होती है, जब वो इंसान ईश्वर को पकड़ लेता है तो वो चलता जाता है, लेकिन जब उसके मन में संशय आता है, भ्रम आता है, अवरोध आते हैं, संकट आते हैं, तो एक जीव क्या करता है, जल्दी से ईश्वर को छोड़ देता है। ऐसा ही होता है ना, जब जीवन में सुख आते हैं, ईश्वर तुम तो बड़ी कृपा है तुम्हारी, बड़ी अनंत कृपा है ईश्वर की, धन मिल गया, पुत्र मिल गए, संतान है, वैभव है, कृपा है ईश्वर की, बड़ा मानते हैं ईश्वर की, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ईश्वर थोड़ा सा कुछ वापस ले लेता है तो हम ईश्वर को नहीं मानते, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। तो हनुमान जी इस बात को भली भांति जानते हैं, दोनों हाथ जुड़ गए, कहने लगे, प्रभु यदि मैं आपको पकड़ूंगा तो ना जाने, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में कहीं कोई ऐसा मोड़ ना आ जाए जब कभी मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन मुझे विश्वास है यदि आप मुझे कसकर पकड़ लेंगे तो मैं हाथ छुड़ाना भी चाहूं तो भी आपसे छूट नहीं सकता। आप मुझे कसकर पकड़ लेंगे, आप मुझे कसकर पकड़ लेंगे।
भक्त चतुर होता है, वो चतुराई से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसकी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से हनुमान जी अपना विशाल आकार बनाते हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कांधे पर बिठाते हैं और चल पड़ते हैं सुग्रीव की ओर। और भक्त ने जब ऐसे दृश्य को देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसने महिमा गान कर उठा, कांधे पर दो वीर बिठाकर चले भक्त हनुमान, चले भक्त हनुमान। आइए इन्हीं भावों को श्रवण करते हैं। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आइए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन बिराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, हो कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, हो कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा अति प्रसन्न सुनि नाथ प्रशंसा, निश दिन रहत राम के द्वारे राम महानिधि कपि रखवारे। राम चंद्र हनुमान चकोरा चितवत रहत राम की ओरा, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, हो कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। Thank you.
राम लखन अरु हनुमत वीरा मानहु पारखी संपुट हीरा तीनों होत सुशोभित ऐसे तीन लोक एक संग हो जैसे पुलकित गात नैन जल छार्यो अकथनीय सुख हनुमत पायो आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान बिठा कर चले वीर हनुमान हाँ ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान हाँ ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान कहाँ कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान हो कांधे पर तो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान हो चले वीर हनुमान हो चले वीर हनुमान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान कांधे पर दो वीर बिठाकर चले भक्त हनुमान हनुमान जी अपने कांधे पर प्रभु श्री राम जी को बिठाते हैं लक्ष्मण जी को बिठाते हैं और ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं प्रभु को नीचे उतारा प्रणाम किया और उसी समय महाराज सुग्रीव के पास गए और जाकर बताया कि गुफा के बाहर कौन खड़े हैं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कंपित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्रिलोकी नाथ सबके भय का हरण करने वाले प्रभु आपके द्वार पर खड़े हैं सारी वृतांत सारी घटना सुनाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं कैसे दो वरदान मिले कैसे कैसे वन की यात्रा हुई कैसे एक राक्षस उनकी पत्नी का हरण कर ले गया सारा वृतांत सुना रहे हैं और उसी समय सुग्रीव जी ने जब सुना और उसी समय बाहर जाते हैं और जैसे ही प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया कहने लगे सुग्रीव मित्र का स्थान चरणों में नहीं होता मित्र का स्थान तो हृदय में होता है जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम भी खड़े हैं सुग्रीव भी खड़े हैं उसी समय क्या करते हैं प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता की साक्षी बनाते हैं अग्नि देव को और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और प्रभु श्री राम जी की मित्रता जीव के साथ करा देते हैं सुग्रीव जी के साथ करा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया सुग्रीव जी की मित्रता ईश्वर से करा दी और ईश्वर की मित्रता सुग्रीव जी से करा दी अब दोनों दो हैं दोनों जो हैं वो मित्रता की डोरी में बंध गए हैं क्या प्रभु श्री राम जी मात्र सुग्रीव के मित्र हैं क्या हम उनसे मित्रता नहीं कर सकते क्या हमारी मैत्री उनसे नहीं हो सकती प्रश्न है एक किष्किंधा कांड कितनी बार सुना कितनी बार है ये मैत्री की गाथा को सुना मित्रता की गाथा को सुना कि हनुमान जी आते हैं और प्रभु श्री राम और सुग्रीव में मित्रता करवाते हैं अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम रामायण में भी देखते हैं इस कांड को इस घटना को सोचे विचारे आखिर ये क्या प्रतीकात्मक है क्या संदेशात्मक है गोस्वामी जी क्या संदेश देना चाहते हैं हम देखें प्रभु श्री राम परब्रह्म परमात्मा है वो ईश्वर है सुग्रीव क्या है सुग्रीव प्रतीक है हमारी जीवात्मा का
एक जीवात्मा का लक्ष्य है ईश्वर से मित्रता कर लेना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर से सायुज्य स्थापित कर लेना। लेकिन कब, कि कब संभव होगा? भगवान बताना चाहते हैं कि ईश्वर तो हर व्यक्ति के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे, कैसे मित्रता होगी, कैसे स्नेह बढ़ेगा, कैसे प्रीति जागृत होगी, प्रश्न है हमारे सामने एक। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देता है ये कांड, ये गाथा। सुग्रीव अपने आप प्रभु श्री राम जी से मिल नहीं सकते थे, उनमें इतनी काबिलियत, इतनी योग्यता नहीं थी कि वो राम जी को ढूंढकर उन्हें मिल रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी भी स्वयं सुग्रीव से नहीं मिल सकते थे। शक्ति रूप में तो ईश्वर सबको जानता है, लेकिन मिलाप कब होता है? जब हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा से तब मिलता है जब जीवन में एक गुरु का आगमन होता है, एक गुरु का पदार्पण होता है। गुरु दूती बिन सखी पिव ना देखी जाए, भावे तो जप तप कर देखी भावे तीर्थ नहाए। संतों ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा गुरु के बिना तुम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, गुरु के बिना ईश्वर अनुभव नहीं होगा। चाहे तुम जितना जप करके देख लो, तप करके देख लो, नियम व्रत करके देख लो, गुरु के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होगा। हम पिछले 5 दिनों से इसी चर्चा को सुन रहे हैं, जीवन का लक्ष्य ईश्वर देखना है। गुरु ईश्वर को दिखाता तो बहुत सारे भाई बंधु मिले हमें। उन्होंने कहा हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि ईश्वर देखने के लिए गुरु चाहिए, लेकिन आजकल जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उससे मन व्यथित हो जाता है। क्योंकि भगवान धारियों को देखकर अब लगता है ये संत नहीं है, ये ढोंगी है, विश्वास उठ गया है भगवान धारियों को देखकर। असुरक्षा की भावना आती है, जाएं कि ना जाएं। एक माता जी मिले, उन्होंने कहा अब हमें भय लगता है भगवान धारियों के पास जाने में, संतों के पास जाने में, गुरुओं के पास जाने में, पता नहीं कब ये श्रद्धा लूट लेंगे, कब क्या हो जाएगा। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम इन भगवान धारियों के, इन संतों के पास जाएंगे ही नहीं। जाएंगे नहीं तो कोई श्रद्धा लूटेगा नहीं, श्रद्धा लूटेगी नहीं तो दुखी नहीं होंगे, आहत नहीं होंगे, ये हमने निर्णय लिया है। सज्जनों ये उचित निर्णय नहीं है, संतों भक्तों के मत के अनुसार मेल खाता निर्णय नहीं है, ये तो कायरता है। भागना नहीं है, जागना है। हम भाग रहे हैं, जो हम सुनते हैं बाहर चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, हम लगता है ये भगवानधारी, ये भगवान निवासधारी श्रद्धा लूटते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, हमारी श्रद्धा उठ रही है, हमारा विश्वास उठ रहा है। लेकिन एक प्रश्न है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु की वास्तविक परख कैसे करेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर दर्शन नहीं होगा। हमने कहा उनके पास जाना बंद। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। हमने ना जाने अपने जीवन में कितनी बार बस में सफर किया होगा, बहुत बार किया होगा, और हमने अपनी आंखों से बस को उलटते पलटते भी बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी अपनी आंखों से देखी होंगी, कानों से सुनी होगी। तो क्या हमने उन घटनाओं को सुनने के बाद, उन दृश्यों को देखने के बाद, उस एक्सीडेंट को देखने के बाद बस में सफर करना छोड़ दिया? बताइए जरा, क्या आपने बस में सफर करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। रेलगाड़ी की दुर्घटनाएं हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले घटना घटी, कितनी घटनाएं पढ़ते हैं, कितनी घटनाएं सुनते हैं। क्या रेलगाड़ी में सफर करना बंद कर दिया? विमानों में सफर करते हैं, कितनी बार जहाज क्रैश हो जाते हैं, क्या विमानों में सफर करना बंद कर दिया? नहीं किया। गाड़ी रुकती नहीं है, सतर्कता, सावधान हो जाते हैं, किसी भी दुर्घटना को सुनते हैं सावधानी बढ़ जाती है। लेकिन विडंबना ये है, जब संतों की महात्माओं की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम भयभीत हो गए, हम नहीं जाएंगे। हमारी समस्या है, दो समस्याएं हैं, मैं दोनों पे विचार जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि यदि ये समस्या नहीं सुलझी तो वहीं खड़े रहेंगे। दो समस्याएं क्या है? पहली, गुरु की पहचान क्या है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कौन है? हमें कैसे पता चले ये सच्चा गुरु है, ये झूठा गुरु है?
ये सच्चा है, ये पाखंडी है, ये कपटी है। और दूसरी समस्या है, कहीं ऐसा ना हो हमारी श्रद्धा लूट जाए, भय है श्रद्धा लूटने का। तो सबसे पहले विचार करेंगे श्रद्धा क्यों लुटती है, श्रद्धा के लुटने के पीछे कारण क्या है, कौन हमारी श्रद्धा लूट लेता है, कैसे लूट लेता है, इसके विषय में विचार करेंगे। एक बार वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया, एक आविष्कार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक गोलाकार बर्तन लिया, एक पात्र लिया, और उस गोलाकार पात्र में कुछ कीड़ों को छोड़ दिया। और जैसे ही कुछ कीड़ों को छोड़ा, कुछ समय के पश्चात वो एक कीड़ा उठा, उसने उस गोलाकार बर्तन में गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। ये देखकर दूसरे कीड़े ने भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया, तीसरे ने भी उसका वही अनुसरण करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार जितने भी उसमें कीड़े थे, सभी गोलाकार अंडाकार जो बर्तन बना था उसमें गोल गोल घूमने लगे और घूमते घूमते थककर मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय के पश्चात उन कीड़ों को फिर होश आई, वैज्ञानिकों ने देखा, फिर वो यही क्रम कर रहे हैं, और यही करते 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 वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम देखें, एक कीड़ा चलता है, उसके पीछे दूसरा भी अनुसरण करता है, करते करते मृत्यु का ग्रास बन गए। संतों ने, भक्तों ने दर्शाया, हमें बताया, उन्होंने कहा हमारी स्थिति कैसी है। हम किसी के प्रवचनों को सुनते हैं, किसी को देखते हैं, शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, वस्त्रों से प्रभावित हो जाते हैं, भीड़ से प्रभावित हो जाते हैं, मंत्रमालाओं से प्रभावित हो जाते हैं, मंत्रोच्चारण से प्रभावित हो जाते हैं, अनुसरण करने लगते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। क्या करते हैं, खूब अनुसरण करते हैं। जब वो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, मूर्छित होकर गिरते हैं, फिर होश आती है, एक को छोड़कर दूसरे की शरण में जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चोट लगती है, फिर दूसरे से तीसरे की शरण में जाते हैं। इस प्रकार से हमारी श्रद्धा ठगी जाती है। हमारी श्रद्धा को कोई ठग ले, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। कोई हमारी श्रद्धा को लूट नहीं सकता, हम अपनी श्रद्धा को लुटवाते हैं, हम अपनी श्रद्धा को ठगने का मौका देते हैं, क्योंकि अंधविश्वासी हो गए हैं हम। क्षमा कीजिएगा, अंधविश्वासी बन गए हैं। आंखों पर पट्टी बांध रखी है बहुत मोटी परत की, सुनते हैं, देखते हैं, प्रभावित होते हैं, चल देते हैं। शास्त्र कहते नहीं, प्रभावित नहीं होना है। इन कसौटियों के आधार पर गुरु का चुनाव नहीं करना। भेख देख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बाजार में तलवार खरीदने जाते हो, म्यान नहीं देखते हो, कितनी सुंदर है, चमक कितनी है, धार देखते हो तलवार की। तलवार की धार जब दिखती है, फिर हम उस तलवार को लेते हैं। पहरावा संत की पहचान नहीं है। भगवान शिव गुरु गीता में माँ पार्वती को गुरु की पहचान बताते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा बहुत गुरु हैं, सूचकादि प्रभेदेन, बहुत सारे गुरु हैं इस धराधाम पर, गुरु की कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक गुरु की परख करनी है, वास्तविक गुरु की पहचान करनी है। कैसे करेंगे, गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य हृत्तापहारकम्। आप गुरु गीता में जाकर पढ़ सकते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य के हृदय के संताप का हरण करने वाले गुरु अलभ्य हैं, दुर्लभ हैं। इसलिए सच्चे गुरु के पास जाना और सच्चे गुरु की पहचान बताते, कहते गुकारस चांधकारो ही रुकारस तेज उच्चते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेवना संशय, जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवा दे, वास्तव में वो गुरु है। उन्होंने कहा जब गुरु मिलेगा तो क्या होगा, खंडई करसंग ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। आप पढ़ सकते हैं जाकर, भगवान ने कहा अखंडैक रसं ब्रह्म, जो ईश्वर अखंड है, रसों का रस है, नित्य है, सबके हृदय में वास करता है, उसको जो दिखा देता है वही गुरु है, जो बातें सुनाता है वो गुरु नहीं है। ईश्वर की, गुरु की पहचान बता दी। उन्होंने कहा गुरु दिखाता है बातें नहीं। स्वामी विवेकानंद जी, ईश्वर की जानने की ललक थी, ईश्वर को देखने की ललक थी। जब भी कोई भगवानधारी देखते थे उनके पास चले जाते थे, आपने ईश्वर देखा है, तो उन्हें कहने लगा नहीं, मैंने नहीं देखा, ये मंत्र ले जाओ, ये माला ले जाओ, एक ना एक दिन ईश्वर दिख जाएगा। उन्होंने कहा कैसे, मैं कैसे विश्वास करूं,
आपको कितने वर्ष हो गए जब तप करते हुए, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70 साल ईश्वर दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि मुझे भी हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं तत्पदम दर्शितम येन, उसी समय गुरु दिखाता है, आप मुझे दिखाएं अन्यथा मैं आगे की यात्रा करूंगा। एक के बाद एक गुरु के पास गए, एक के पास एक गुरु के पास गए, और जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, एक प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, हाँ मैंने देखा है। तो इतना सुनकर वो प्रभावित नहीं हुए, इतना सुनकर वो मान नहीं गए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगला प्रश्न किया, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप मेरा दर्शन करवा सकते हैं? और जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें ईश्वर दर्शन करवाया तो जीवन बदल गया, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए, जीवन में परिवर्तन आ गया। हम अभी नरेंद्र हैं, भयभीत क्यों हैं? कहते शास्त्रों की मशाल को हाथ में थाम कर चलो, कभी कोई श्रद्धा नहीं लूटेगा, ठगे नहीं जाओगे। शास्त्रों को तो लेकर चलते ही नहीं है हम। शास्त्र कहते गुरु की पहचान ईश्वर दर्शन है। जग में गुरु बहुत कन फूका फांसी लाए बुझाए, कहे कबीर सोई गुरु पूरा। जो कंते आन मिला, एक दिन हम पहले भी श्रवण किया था, जो कंत से मिला वो गुरु पूरा है, वो पूर्ण है। और जब ऐसे गुरु मिलते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। और यदि ईश्वर दर्शन नहीं किया तो बंधु मत समझिएगा हमारे जीवन में गुरु का आगमन हुआ है, तब तक हमारी मित्रता नहीं हो सकती। इसीलिए भक्तों ने गुरु की महिमा, गुरु की पहचान बताते हुए बहुत सुंदर कहा, गुरु की पहचान क्या है? योगानंद परमहंस जी भी कहते हैं कि जो मुझे भीतर उतार देता है वो गुरु है। ब्रह्मानंद जी ने कहा, बाहर ढूंढनते छूट परे, माफ कीजिएगा, भाग्य बड़े मैं सतगुरु पायो, मन की दुविधा दूर निसाही, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको सो वस्तु घट भीतर पाई। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जिस परमात्मा को मैं बाहर ढूंढ रहा था उसी ईश्वर को मेरे घट में मेरे गुरु ने दिखा दिया। और भक्त गुरु की महिमा, उसकी पहचान बताते हुए हमें सजग करते हैं, हमें सावधान करते हैं। और वह सावधान करते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी भजन के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं। सतगुर मिले सारे दुख बिसरे, 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 अंतर के पट खुल गयो रे, अंतर के पट खुल गयो रे, सतगुर मिले सारे दुख बिसरे, सतगुर मिले सारे दुख बिसरे, सतगुर मिले सारे दुख बिसरे, सतगुर मिले सारे दुख
करे। सतगुरु मिले सब दुख बिसरे। सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन का दुख है इंसान को। और जब गुरु आता है तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देता है। सुरत उजाली खुल गई ताली, गगन महल में जावन की, झिलमिल कारी ज्योति निहारी, जैसे बिजली सावन की। भक्त कहते हैं जब गुरु जीवन में आता है तो द्वार खोल देता है, कपाट खोल देता है, पर भीतर मैं प्रभु का दर्शन करता हूँ। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू गैब महे सतगुरु मिलियो, पाया परम प्रकाश, मस्तक हमरे कर तरिया, देखिया अगम आगाद। दादू दयाल जी कहते हैं, जब मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव आए, उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, वो दिव्य चक्षु दिया, तो क्या किया मैंने, देखिया अगम आगाद, मैंने अगाध अनंत दृश्यों को देखा, अपने भीतर में प्रभु की झांकी का दीदार किया। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है कि जिसे ऐसा गुरु नहीं मिला है, जो प्रयासरत है लेकिन पूर्ण गुरु की शरण उसे प्राप्त नहीं है, गुरु धारण कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसका जीवन का लक्ष्य तो पूर्ण नहीं हुआ लेकिन वो गुरु धारण कर चुका है। तो भगवान शिव कहते हैं गुरु गीता में, ज्ञान ही नस्य गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः। उन्होंने कहा ऐसे गुरु को त्याग कर सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए, जो ब्रह्म से मिला दे, हमारी मैत्री ईश्वर से करा दे। और आज ऐसे ही हनुमान जी का गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और एक जीव की जो मित्रता है वो ईश्वर से करा देते हैं। और जिस समय प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई, तो उसी समय प्रभु श्री राम जी सारा वृतांत पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप अपने राजपाट को छोड़कर यहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर वास करते हैं, आपके दोनों भाइयों में शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई, सारा वृतांत मुझे विस्तार से सुनाइए। और उस समय सुग्रीव जी अपना पूरा वृतांत, अपने जीवन की घटना को सुनाते हुए कहते हैं कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, और एक दिन एक स्त्री के कारण मैं दानव राक्षस से मेरे भाई की शत्रुता हो गई। और जिस समय शत्रुता हुई और एक दिन